और उसको ना हम सरप्राइज दे रहे हैं। देखो मेरे साथ दो शख्स और छुपे हैं और वो बाहर ही थी अपने आंगन में। कैसा लगा हमारा सरप्राइज है? तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। हैप्पी बर्थडे टू यू। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आज मैं खेत में आई हूँ ऐसे नए कपड़े पहन के, बिकॉज कि मैं जा रही थी अपनी कज़न सिस्टर के घर, उसका बर्थडे आज। और अभी मेरा भाई यहाँ काम कर रहा है खेत में, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि मेरे को बाइक पे छोड़ के आ, तो वो पता नहीं क्या ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मेरा भाई जा ही नहीं रहा है, मैं फिर से वापस आ गई। तो गाइस मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ कि वो आंसर दे किसी जवाब का मेरे, बट वो नहीं दे रहा है, तो मेरे को पैदल जाना पड़ेगा। और बिन कैसे उठा रखी है छतरी, ऐसे रखते हैं हाथ, तो मेरे को पैदल जाना पड़ेगा। अफसोस, कोई बात नहीं, का कोई आंसर नहीं आया और ऊपर से मैं लेट हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पैदल चले। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जब भी मैं हूँ गढ़खल और मैं जा रही हूँ अपनी, मतलब मेरे को गांव का लड़का मिल गया है, उसके साथ ही जा रही हूँ गाड़ी में, तो वो भी धर्मपुर तक जा रहा है। और शक्ति घाट से मेरे को मिल गई थी टैक्सी, मतलब जो हमारा मतलब मेन है जहाँ से हम गाड़ी वगैरह लेते हैं, वहाँ से मेरे को टैक्सी मिल गई थी। तो अभी मैं गढ़खल हूँ, तो थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी धर्मपुर। और फिर अभी हिमांशी भी आएगी, सोलन से आ रही है वो कॉलेज से, तो हम साथ ही जाएंगे। और उसको ना हम सरप्राइज़ दे रहे हैं, उसको मैंने मना कर दी थी हम नहीं आएंगे, तो अभी उसको ऐसा है कि हम नहीं आ रहे, तो अभी हम उसको अच्छा सा तगड़ा सा एक सरप्राइज़ देंगे, वो तो खुश हो जाएगी मेरे को देख के। और ये प्लान सारा जीजू का है मेघा, तो हमारे से गुस्सा मत हो अभी, तो जब भी तू ये वीडियो देखेगी तो पता लग जाएगा कि ये प्लान सारा जीजू का था, उन्होंने किया था मेरे को मना कि मेघा को ऐसे बोल दो कि झूठ बोल दो कि हम नहीं आ रहे, उसको सरप्राइज़ दो। और मैंने बोल दिया झूठ, उसको पता नहीं क्या क्या बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। और बस अभी वो ऐसा सोच रही कि हम नहीं आ रहे हैं, तो चलता है इतना तो। अरे है जीजू के साथ, जीजू ये हमारे जीजू, एक बार देखिए, हेलो करो। पूछने वाले हैं गाइस, देखो मेरे साथ दो शख्स और एक ये तीसरा भी है, और ये तीसरा ये जीजू ने लिया है मेघा के लिए, और ये हमारी दीदी है, इसका नाम है डिम्पल। तो अभी हम पहुंच गए उसके घर और उसको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं आएंगे, तो मैं हिमांशी, बाकी इसका तो पता है, बाकी इसने बता दिया ना कि एक भी हमारे पास, हमारे बारे में नहीं बताया। अच्छा ओके, अब मेरी आपको लुक थोड़ी चेंज लगेगी, हम उसका रिएक्शन लेंगे अभी, ठीक है? कहीं मेरा रिएक्शन ना निकले, अभी यहाँ फिसलना है बहुत। ये देखो यहाँ पे हिमांशी जी अपने भैया को उठा कर, तू कहाँ लाई रही इसको? को जीजू ने आज दिन तक कोई गिफ्ट नहीं दी, जीजू से डिमांड मेरा बर्थडे का, मेरे बर्थडे पे ये दिया जाए। हमारी बात जीजू सुन तो लो, जीजू ने मार को आज दिन तक कोई गिफ्ट नहीं दी, ऐसा सा गुड्डा मुझे चाहिए। छुपे है अभी, वो बाहर ही थी अपने आंगन में खड़ी हुई, तो हमार को देख रही है। वैसे हमने दीदी भेज दिया, जीजू भेज दिया आगे, और वो झूठ बोल रहे हैं कि वो नहीं आया है, और हम यहाँ छुपे हैं एक पेड़ के नीचे। तो क्या बहुत मच्छर है, पूछ रही थी अभी कि आया नहीं वो, और यहाँ इतने सारे मच्छर रुकते। ये देखो गाइस, बहुत सूट वाला लुक, बहुत मस्त लग रही है आपको, बहुत दिनों बाद दिखाऊंगा। और मैं तो बस सिंपल गाइस, मेरा सूट जल ले गई हूँ। तो गाइस आज मेरे साथ पता क्या हुआ, मेरे से प्रेस सी लग गई मेरे सूट पे यार, चली गई अंदर गई हूँ गई। तो गाइस अब चलते हैं हम, उसका रिएक्शन लेंगे। देख रही थी उसको बेचारे को आ से की हमारे यार, उन्होंने बता दिया। ये देखिए यार क्या, हम इतने मच्छरों में छुपे। तो गाइस इनके ससुर ने बता दिया कि हम आ गए हैं, तो देखिए कैसा लगा हमारा सरप्राइज है। हमारे से कुछ नहीं, हमारे से कुछ नहीं है, जो भैया वगैरह के बारे में पूछ रही है तू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये है बर्थडे गर्ल, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा, मेरे को पता था बहुत गंदा क्या है, इसको पता था।
मैं नहीं टेक रहा था, पर मैं कैसे टेकूं? गाइस इसको पता था ये मेरे पाँव में मत्था टेकेगी, ये देखना पर देखना पड़ता है। ये देखिए आयुष्मती सदा सुहागन रहो, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए। ये शादी नॉन शादी से बस तब मेरे को क्यों जा रही है इस झंझट में। अच्छा मेले होते हैं क्या बताएं, करो तो सही है। तो चलो अब चलते हैं अंदर इसके घर और इससे आज हम पार्टी लेंगे बहुत तगड़ी वाली। नहीं है यार ये देखो मैं को जूस लेके आई है, कभी घर पे मां को पानी नहीं पूछती थी, आज जूस। तू भी पी ले पेगा। ये देखो यहाँ पे आ चुके हैं हमारे लिए स्नैक्स और जीजा श्री लाए हैं स्नैक्स। स्नैक्स नहीं स्नैक्स बोला मैंने। गाइस जीजू को चार्जिंग वाला है कि जीजू रैक ये देखो ये इनकी ससमा है। बता रही हूँ मैं ये इनकी सासू माँ है। ये देखो कितना कितना अच्छा बॉन्ड है इन दोनों का। दिखाओ अपना बॉन्ड। ये मुझे फुलाने का पता नहीं चल रहा था। चुप पीछे हो तू एक मिनट, अब तेरे को लूंगी इसका। कुछ तारीफ अभी ना करो, तारीफ करो मेगा की, तारीफ करो। आज इसके बर्थडे पे कुछ गिफ्ट तो दे नहीं सके आप। नहीं ले आई हुई है को तो बोलेंगे आप मेगा के लिए तारीफ। चुप यार तारीफ करने दो, मोए मोए एक तारीफ दे दो, क्या कैसी लगती है आपको? एक झाड़ पर पहुंचन छड़ दी है ना। तारीफ पूछी यार मम्मी आपसे, काम थोड़ी पूछे, काम नहीं तारीफ। अच्छी चीज कैसी है? अच्छी है बुरी है? बहुत अच्छी है। क्रेट टमाटर की लेती है, नीचे से चार फूटे घास के लेती है। झूठ बोलती है क्यों? जानती नहीं है कुछ, बिल्कुल सच है भाई। घास को जाती है, खड़की में चढ़ी थी। ये लाया है मेगा के लिए, बहुत अच्छी है। टॉप भी दिखाओ, टॉप खोल के दिखाओ मम्मी। वाओ बहुत मस्त, नाइस। इतनी अच्छी सास ससुर जी, ससुर जी है। ये ससुर जी मेरे ऐसे बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, क्यों मर्जी करो तुम। क्या जा रहे हैं इसके साथ कॉफी बनाने, मतलब मैं ही है ये। मैं मतलब हम दोनों। यार लाइट नहीं है आज तो गाइस, यहाँ पे लाइट नहीं है, इसका बर्थडे स्पॉइल हो रहा है। कॉफी बना रही है, वैसे तो मैं आई थी इसके साथ बनाने के लिए, बट साथ ही है। देखो यहाँ पे बर्थडे की तैयारियाँ की जा रही है, बैलून फुला दिए हैं। बर्थडे की तैयारियाँ ये देखो, डेकोरेशन। हाँ वहाँ से सॉरी, इसको घर जाना है, इसको कोशिश करनी है, तेरा बच्चा पढ़ना है, पढ़ना है तेरे बच्चे ने, पढ़ना है पढ़ना है। हो चुकी है केक कटिंग के लिए, चलिए बढ़ेगा। ये देखो यहाँ पे, ये देखो गाइस यहाँ पे फेरम लवली, इसका नाम हमने फेरम लवली रखा है क्योंकि ये फेरम लवली बचपन से लगा ठीक है। अभी हम जा रहे केक कटिंग करने, ये है केक। यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है, केक काटो तो लड़ाई, खाना खाओ तो लड़ाई। ऐसा महसूस हो रहा है 26 साल की होगी तो 26 को लग गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, उम्र का ही पता नहीं है इसको, उम्र का ही पता नहीं क्या करेगी जिंदगी में। ज्यादा एक्टिंग ना, ये एक्टिंग आ रही है। Happy birthday to you, 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 happy birthday to you।
हजारों सांगे में है आज कुछ गाने शांत नाचो नाचो आप भी तो गाइस अभी हम दिखा रहे हैं आपको जो जो गिफ्ट नहीं नेक्स्ट गिफ्ट मैं देख रहा हूं वाओ तो नाइस है यार है ना नमस्ते मेरी मम्मी ने चाय पास्ते मम्मी का भी बनाओ ये दिए है मेरी सासू माता ने ये दिखा दिए वे दिखा दिए नहीं तो ये देखो ये दिए हमने इसको सिंगला गजली ना ये दिए हमने इसको क्या लगी कैसे लगी हमारे गिफ्ट दिया है मुझे ये देखो हाँ वो इन जीजू ने दिया इसको रात बज रहे हैं 10:30 और अब हम आ रहे हैं खाना खाने इतना मीठा खा गया मेरे को ना चावल पूरी दाल आलू राजमा ओके हलवा लाए हैं चूल्हे पे यहाँ बना है बैठो ये देखिए यहाँ बना है हलवा रुक रुक हलवा हेलो गाइस गुड मॉर्निंग और अभी मैं जा रही हूँ घर मतलब मैं सुबह आ गई थी मेघा के घर से और शाम को उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि खाना भी हमने 10:30 बजे खाया फिर रोज़ सोते सोते मार को 12:00 बज गया गप्पी मारते हुए फिर उसके बाद अभी सुबह सुबह हम वहाँ से जल्दी आ गए इसलिए मैं कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई तो अभी मैं बस से आई वहाँ से और फिर अभी अभी पहुँची मैं अब मैं पैदल जा रही हूँ घर इसलिए आया जल्दी क्योंकि महशी को भी कॉलेज जाना था और मेघा को भी तो गाइस मेरे को अभी वो मिल चुकी है सब्जी पहाड़ी जो मैं आपको पिछले ब्लॉग में दिखा रही थी तो मैं अभी दिखाऊंगी आपको मैंने बैग में डाल के रखी है मैं क्या बताऊँ मैं आपको हाँ गाइस पता कल पता मेरे साथ क्या हुआ कल मेरे को मैं सूट प्रेस कर रही थी अपना और ना मेरा सूट ही जल गया यार गाइस इतना मेरा फेवरेट सूट जल गया मेरे से कल प्रेस करते करते आपसे भी कभी अपने फेवरेट चीज़ कुछ ऐसी फेवरेट चीज़ कोई टूटी है ऐसी या जली है मेरी तरह तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ मेरा फेवरेट और इतना ज़्यादा जल गया है उसमें रफू भी नहीं हो सकता है अब क्या करूँ मैं बारिश टूटने का नाम नहीं ले रही है ये देखो उफ भाई भगवान मैं पहुँच जाऊँ घर कितने अच्छे फूल है यहाँ पे लगे हुए और बारिश में शायद आपको कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा ये देखो फूल कितना प्यारा है ये देखो गाइस लोग घास निकालते ना और फिर ये देखो अब भीगने का सिलसिला शुरू यहाँ से ये देखो इतना घास यहाँ से स्कूल के बच्चे भी जाते हैं तो समझना चाहिए यार कि स्कूल के बच्चे जाते हैं छोटे छोटे वो तो पूरे भीग जाते होंगे हमारे तो चल टांगे भीगती है बट वो बेचारे पूरे भीग जाते होंगे इसलिए हमेशा ना बरसात के दिनों में एक पुण्य का काम जरूर कर लो ये रास्तों का घास काट लेना चाहिए ये नहीं कि बस रख दिया जिद करके गाइस अभी ना मैं पता क्या देख रही थी दो तीन लेडीज थी जो घास काट रही थी इधर पीछे और मैं देख रही थी कि यार औरतों की ज़िंदगी कैसी होती है मतलब बारिश में भी घास 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 गांव की औरतें होती है जो मतलब तो उनकी ज़िंदगी कैसी यार मतलब अपना भी सोचो घर वालों का भी सोचो और पशुओं का भी सोचो तो अभी देखो बारिश में भी वो घास काट रहे थे तो मतलब कितनी स्ट्रगल होता है एक गाँव की लेडी की लाइफ में मैं यही सोच रही थी ऐसे तो हर लेडी की लाइफ में एक स्ट्रगल है बट गांव की लेडी होती है ना जो उसकी लाइफ में कुछ अलग ही स्ट्रगल होता है उसको हर चीज़ देखनी होती है घर का देखो बाहर का देखो गाय का देखो मतलब खेतों का देखो मतलब हर चीज़ वो मैं बोल रही थी आपको पहाड़ी सब्जी ये पूरी छतरी की तरह थी बट ये देखो टूट के क्या बची तो ये बोल रही थी मैं वो आपको कि वो पहाड़ी सब्जी ये होती है वाइट और गाइज अभी आज के ब्लॉग में इतना ही मिलेंगे आपको ऐसी किसी नए ब्लॉग के साथ
और तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, बट वीडियो को पूरी देख लेना। तो ऐसे तो आप लोग अगर यहाँ तक पहुँच ही गए होगे तो आप लोगों ने शायद वीडियो भी देख ली होगी। अगर देख लिए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब योर चॉइस, बट कमेंट कर दिया करो यार अच्छे अच्छे। आप लोग पूछ लिया करो कुछ क्वेश्चन मेरे से यार कि क्यों एन ए करूँगी किस दिन, इतनी बड़ी यूट्यूब बनी हूँ कि मैं क्यों एन ए करूँगी। बट चलो कोई ना, आप लोग खुश रहिए, आप आते रहिए और अपनी मर्जी के काम करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। और मेरी बकवासें चलती रहेगी जब तक मेरे आगे कैमरा है, तो मैं बकबक करने से नहीं रुकूँगी। और बस ये पब्लिक में होता है कि मैं बकबक करने से रुक जाऊँ कैमरा देख के, बट इतना ही।